12 बज चुके हैं और कुछ भी दिल खाने को नहीं चाह रहा, तो बच्चों ने कहा मम्मा कुछ लाइट सा बनाए, हमारा दिल नहीं चाह रहा। तो नबा ने पहले स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी फ्रोज़न, तो वो उसका मिल्क शेक बना दिया। और अब मैं यहाँ पे आलू के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि आलू के पकौड़े जो हैं वो खाए भी जाते हैं। मैंने यासीन को कहा तुम नान ले आओ, तो मैं साथ आलू के पकौड़े और चटनी बना देती हूँ, तो यही खा लेते हैं। ये बच्चे फिर भी खुशी खुशी से खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। और बच्चे कह रहे हैं कि रोटी वगैरह हमने खानी नहीं, लेकिन मैंने, क्योंकि यासीन एकेडमी जाना होता है और वो फिर रात को आता है 10 बजे तक, तो मैंने कहा नहीं कुछ तो तुम खा के जाओ। और ये जो चटनी मैंने बना के क्यूब्स रखे हैं, गार्लिक ग्रीन चटनी, बहुत ही मज़े की लगती है दही के साथ, तो ये मैंने क्यूब्स निकाल लिए थे, साथ ही उस पकौड़े बना लिए। और जनाब ये हमने जो है खा लिए थे, बड़े क्रिस्पी पकौड़े बने थे। मैं बेसन के साथ जो है वो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल देती हूँ, उससे बड़े क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये गर्मी का आज हमने तोड़ किया, और हमने कहा देखते हैं कि फिर शाम को हम क्या करते हैं। तो उसके लिए फिर पास्ता मंगा लिया था, बच्चों ने कहा पास्ता बना देना, और यहाँ पे जी हम इंजॉय कर रहे हैं पकौड़े। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, जहाँ भी रहें आबाद रहें। अपनी बहन के घर से हम आ गए थे और कल काफ़ी थके हुए थे, हालांकि किया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बस आके, और फिर हम एक मूवी हॉरर इन्होंने दिखाई, जो कि हॉरर नहीं थी, कुछ अजीब ही हॉरर थी, वो देखी और फिर हम सो गए। सो आज की रूटीन आपने देखी, पकौड़े बना रहे थे, गर्मी इतनी शदीद है कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने को। पास्ता की चीज़ें मंगवाई, मैं कहा पास्ता बना लेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमने रोटी नहीं खानी, तो मैंने कहा चलो ये ठीक है। असर की अजान हो गई थी, वो नमाज़ भी पढ़ ली, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, और मुबर्रा डल लेटी हुई हैं, और यासीन भी गया हुआ है, गर्मी से आवाज़ भी डल हुई है। ओके जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखना है और फिर लाइक भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि आपने देखा है वाकई मेरे व्लॉग को और आपको वाकई पसंद आया है। और आज थोड़ी सी बात करेंगे हम एक ख़ास मूवी पे जो बड़ी मशहूर हुई हुई है, और उसमें जो है रॉयल ज्वेलरी और जो चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ के टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जिनको बहुत शौक़ है उस जगह का गेटअप करने का, और वो कर रहे हैं, तो उस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो आई थिंक लेट्स गो इन द किचन एंड फाइंड समथिंग। मेरे ख्याल से तरबूज पड़ा है कुछ ठंडा ठंडा, तो देखते हैं अगर वो सही है तो वो खाते हैं। पास्ता मैंने बना लिया था और बहुत ही मज़े का बना था, बस हमें एल्बो मैक्रोनी नहीं मिले, ये कोई स्पाइरल मैक्रोनी थे, तो फिर भी बहरहाल टेस्ट होना चाहिए, तो टेस्ट वाज ऑसम। हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड डे। कल बस मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा था आपसे गपशप लगाऊंगी, लेकिन हम नहीं लगा सके। तो एक टॉपिक पे मैंने कहा था आपसे बात करेंगे, जो कि संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी है। हीरा मंडी एक ड्रामा, नॉट अ मूवी, सीरीज ड्रामा है जो उन्होंने बनाया। सम पीपल सेट्स फ्लॉप, सम पीपल सेट्स गुड, तो मिक्स उस पर क्रिटिक्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ आ रहे हैं।
असल में उन्होंने ये दिखाना था कि उस टाइम की जो तवाइफ थी तो उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क के लिए जो है सेक्रीफाइस किया था, लड़ी थी, जबकि उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ थी, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो एक हो गई और किस तरह से उन्होंने हेल्प की इसमें और किस तरह से वो लड़ी। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी जो कौम है, हमारी कौम की जो लड़कियां हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपने आप को समझती हैं, जो कहती हैं हम जी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, बेड़ा गर्क किस तरह से किया है कि गेटअप्स कर करके और फजूल किस्म के गेटअप्स कर करके, बिना जाने कि ये क्या कर रही हैं। बेटियों की माएँ हैं और देखिए बेटियां हैं इन सब की, फ़ख्र खानम की बेटी है, सितारा यासीन की बेटियां हैं, इस कमल आफ्ताब की बेटी है, तो ये बेटियों वालियां बैठ के अपने आप को पूरा रूप धारा है इन्होंने और ज्वेलरी पहनी है, यानी पैसा इनके पास इतना है कि उस ज्वेलरी इन्होंने फौरन ख़रीद ली, वो अभी सीरीज़ आई नहीं और इन्होंने ज्वेलरी जल्दी से ख़रीदी और फटाफट गेटअप भी कर लिए। अरे आप लोगों को पता है कि आप किसका गेटअप कर रहे हैं? एक तवाइफ का। आप अगर अपने बच्चों को, आपके बच्चे कल को पूछें आपसे, और दूसरी एक पहले तो ये कि आपके बच्चे, दूसरे आपके भाई बाप वो तो होंगे ना, वो बोलेंगे बेटा तुमने किसका गेटअप किया है, तो आप क्या कहेंगी कि मैंने तवाइफ का गेटअप किया है? तो आपको पता है कि तवाइफ कौन होती हैं? तवाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं कि ज्वेलरी पहन लिए, कपड़े पहन लिए और आप जो गानों पे इतने अजीब अजीब से आप लोग एक्शंस कर रही हैं तो इसको कहते हैं जी हीरा मंडी। नो, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं क्योंकि कुछ कुछ आप लोगों में जरासीम है ही उन्हीं के, ये नाच गाना और इस तरह की कपड़े पहनना नंगे आधे, तो और अब आप लोगों ने ये रूप भी धार लिया है, तो मेरा ख्याल में अब सिर्फ नाच, प्रॉपर नाचना और महफिल जमाना ही आप लोगों का रह गया है। जो ट्रेंड आता है आप लोग उसको कॉपी करते हैं बिना सोचे समझे। रमज़ान आता है तो उसमें शरीफ जादियाँ बन जाती हैं, लेकिन उसमें भी बाल इनके बाहर होते हैं, सरों पे दुपट्टे होते हैं और रेसिपीज़ बना रही होती हैं। ये ट्रेंड हो जाता है। रजब आता है तो उसमें कुंडे और उसकी न्याजें शुरू हो जाती हैं। मुहर्रम आता है तो उस हिसाब से शुरू हो जाती है। हज आता है तो उसमें उमरे करने लग जाती हैं। मतलब व्हाट द हेल आर यू डूइंग गाइस? ये आप ख्वातीन हैं या आप लोग क्या चीज़ हैं कि आप लोग हर ट्रेंड का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई हैं? मतलब वो औरतें जिन्होंने नस्लें पैदा करनी है, जिन्होंने नस्लों को पालना है, जिन्होंने नस्लों की तरबियत करनी है, जिन्होंने नस्लों को आगे बढ़ाना है, जिनसे ये दुनिया बननी है, जिनसे उनके ख़ानदान आगे बढ़ने, ये उनको ये चीज़ें दिखा रही हैं। अब मुझे पता है कि इस पे जो इनके फॉलोअर्स हैं वो गंदी गंदी बातें इस वीडियो के नीचे करेंगे, गंदी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के ये लोग खुद हैं। इनको वो करते ही लोग फॉलो वही लोग हैं जो ये हरकतें करती हैं। अरे टिकटॉक है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं भी यूट्यूब करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिससे कोई कुछ सीखे। यू गाइस से वी आर इन्फ्लुएंसर्स। आप पहले इन्फ्लुएंसर का मतलब जाके पढ़ो कि क्या होता है। आप लोग तो जाहिल, मैट्रिक भी नहीं किए, उठकर आ गए हो इधर इन्फ्लुएंसर्स बनने और कहते हो जी इन्फ्लुएंसर्स, ये एस्ट्रोलॉजी की बहनें, ये बनी पड़ी हैं वहाँ पे हीरा मंडी की तवाइफें। तो आप लोगों ने अपने आप को क्या समझा हुआ है भाई? आप लोगों को दुनिया की लड़कियाँ देख रही हैं और आप लोग क्या सबक दे रहे हैं? इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कोई पॉजिटिव चीज़ सिखाए, जो कोई पॉजिटिव लेसन दे। या आप लोग क्या सिखा रहे हैं? नाच गाना तवाइफ और अब तो तवाइफ बनना। ओ माय गॉड, मतलब आप लोगों ने हदें बिल्कुल पार कर दी हैं। कोई आप लोगों की लिमिट नहीं है और इन पैसों के लिए वो इतने दीवाने कि आप लोग कुछ भी करें दे से यस टू यू। अगर इतने आप लोग अच्छे हैं तो आपके जो मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं, जो रोज़ कत्ल हो रहे हैं, उनके लिए तो एक दिन आप में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और यहाँ पे वो भी ट्रेंडिंग में और वो डेली के ट्रेंड में चल रहा है,
लेकिन उस पर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि चैनल बंद हो जाएंगे। लेकिन ये वाले ट्रेंड्स आप लोग 2 सेकंड में फॉलो कर लेते हैं, वेरी गुड। तो कुछ सोचे कि आप लोग तवायफें बन रही हैं, ठीक है। तवायफों का काम सिर्फ तैयार होना नहीं था, अपना बनाओ सिंगार नहीं था, उनका काम और भी था, मर्दों को एंटरटेन करना, उनके आगे नाचना, उनके साथ रातें गुजारना। तो थोड़ा इस बात पे सोचें, और फिर अगर आप में थोड़ी गैरत शर्म हो तो इस तरह की दोबारा हरकत ना करें। पर मेरी कुछ बातें कड़वी मीठी आप लोगों को सही लगी होंगी, नहीं लगी होंगी, बिल्कुल नीचे लिखें। आई ऑलवेज एक्सेप्ट द क्रिटिक्स, आई ऑलवेज एक्सेप्ट द कमेंट्स विच यू से, क्योंकि जो जिसकी मेंटेलिटी होगी उसके हिसाब से बात करेगा। मुझे एक आ जाएगा कि जी आपकी भी नेगेटिव मेंटेलिटी, आप इसलिए कह रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ रूप धारा है, उन्होंने तो सिर्फ उसको जो है वो गेटअप किया है। बट इवन देन इट इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाट आर यू शोइंग, ठीक है। आप अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं ना, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं। मुल्क के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया, अपने लिए आपने सब कुछ किया। आप व्यूज हमसे लेते हैं, आप पैसा लेते हैं हमारे व्यूज की वजह से, लेकिन हमारे मुल्क के लिए तो आप कुछ नहीं करते। इतने गरीब जो मर रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग वो पैसा खुद खाते जा रहे हैं और इन फजूल चीजों पे यूज कर करके बाहर के चक्कर, और जब दिल चाहता है देखते हैं व्यूज नहीं आ रहे तो उमरा करने चले गए शो ऑफ। अरे उमरा शो ऑफ नहीं है, अगर आप जाते हैं तो अपने लिए जाएं, शो ऑफ करने मत जाएं। हर थोड़ी देर बाद एक सेल्फी और वीडियो आ रही होती है, वहां पे बकायदा आप लोग वीडियोस बना रहे होते हैं लोगों को दे दे के कैमरे। सो शेमफुल, सो शेमफुल। तो इस बात पे सोचिएगा जरूर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाटा।